स्टैंडर्ड 10 डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस बेस्ड एक्सरसाइज ऑन 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक पॉलिनोमियल दिया है 6x² - 3 - 7x इसके जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है ये टेक्स्ट बुक का ही सम है एक्सरसाइज 2.2 टेक्स्ट बुक का सम है इसमें क्या करना है सबसे पहले 7x को बीच में लिखना है ऐसे क्योंकि x स्क्वायर के बाद x का टर्म आता है फिर ये कांस्टेंट आता है तो रीशफल करना है अब सिंपल 6 3 18 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 7 आए स्प्लिटिंग मिडल टर्म 18 के फैक्टर्स कर रहे हैं 7 आए तो 9 2 9 - 9 + 2 राइट क्योंकि -9 + 2 क्या होता है -7 कॉमन निकाल देंगे 3x कॉमन 2x - 3 1 कॉमन 2x - 3 सो दिस विल बिकम 3x + 1 एंड 2x - 3 जीरो फाइंड करना है तो इक्वल्स टू 0 रख देंगे 3x + 1 इक्वल्स टू 0 2x - 3 इक्वल्स टू 0 सो x इक्वल्स टू -1/3 एक्स इक्वल्स टू 3/2 अभी वेरीफाई करना है यानी वो दोनों रिलेशन है LHS इक्वल्स टू RHS करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए ये अल्फा दिस इज बीटा एबीसी की वैल्यू यहां से आएगी ए इक्वल्स टू 6 बी इक्वल्स टू -7 सी इक्वल्स टू -3 ओके सी इक्वल्स टू -3 यहाँ पे पुट करो और RHS इक्वल्स टू RHS करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे सो इट इज वेरीफाइड नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक्सरसाइज √3x² - 8x + 4√3 इक्वल्स टू 0 स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे √3 और 4√3 इक्वल्स टू 4 √3 होता है 3 सो 4 3 हो गया 12 अब 12 के ऐसे फैक्टर फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई किया टर्म 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 8 आए 6 2 राइट सॉरी इधर 12 लिखो 12 के फैक्टर्स 6 2 और 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 - 2 करेक्ट यहां पे रखेंगे वैल्यू √3x² + 6x - 2x नो हमें -8 लाना है तो -6 - 2 -8 होगा ना 6 + 2 ठीक है तो -6 - 2 इज -8 + 4√3 = 0 इधर 0 अब ये इधर कॉमन क्या निकलेगा एक्स तो निकल ही रहा है और क्या निकलेगा कॉमन √3 and 6 है देखो 6 मतलब क्या होता है 3 × 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं फर्दर √3 × √3 लिख सकते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 3 को √3 × √3 × 2 ठीक है देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं ये तो एज इट इज 6 को लिख रहे हैं √3 × √3 यानी कि 3 2 क्यों लिखा ताकि √3 कॉमन निकल जाए एज इट इज अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो अब दोनों में क्या है √3 कॉमन है दोनों में x भी कॉमन है क्या बचा x - 1√3 बाहर है कॉमन बचा क्या है इधर सिर्फ 2√3 कदम यहां पे देखो ये सेम ही आना चाहिए इधर भी सेम ब्रैकेट तो इधर x है और इधर 2x है तो क्या बाहर निकल गया
टू बाहर निकल गया. ओके क्या बचा, रूट थ्री एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू रूट थ्री. जीरो फाइंड करना है तो इक्वल्स टू क्या रखेंगे, जीरो. एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो. सो रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू टू एंड एक्स इक्वल्स टू टू बाय रूट थ्री. एक्स इक्वल्स टू टू इंटू रूट थ्री. इसको रैशनलाइज कर देना, ये अल्फा और ये हो गया बीटा. क्लियर? तो ऐसे रूट वाले सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिटिंग मिडल टर्म.